आइए हम लोग बात करेंगे डेली यूज मेडिसिन के बारे में। हम लोग का बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डे बाय डे कुछ ना कुछ, जैसे मान लिया किसी को फीवर है, किसी को कफ होता है, किसी को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को इंडेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को वोमिटिंग होता है। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है एवरीडे किसी न किसी पर्सन को। तो वैसे कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन दें ताकि उस पेशेंट का प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो देखिए इसमें इस ड्रग्स को हम लोग ओवर द काउंटर भी कहते हैं। ओवर द काउंटर का मतलब होता है वैसा ड्रग्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो। कुछ दवाएं नॉन प्रिस्क्राइब्ड भी होगा, कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब्ड भी होगा। एंटी इमेटिक ड्रग्स का मीन होता है वैसी दवा जो वोमिटिंग को रोकने काम करता हो। इट यूज टू प्रिवेंट दी वोमिटिंग, वोमिटिंग को रोकता है उसको बोलेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स। जैसे कि ऑनडन सेट्रॉन, ये हमारे मार्केट में ऑनडन कंपनी से आता है, और एक होता है डोलासेट्रॉन, ये भी आपका मार्केट में अवेलेबल है, और एक होता है मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड जो होता है इसका कंपनी का नाम है पेरिनॉर्म, इस कंपनी से आपका अवेलेबल होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ब्लूड में आरएल दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गई, वोमिटिंग होगा तो उसमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो उसमें आरएल देकर के उसका डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर दे सकते हैं डिहाइड्रेशन कंडीशन में। इलेक्ट्रोल पाउडर से बॉडी जो भी आपका वोमिटिंग से इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस हुआ, सोडियम पोटेशियम मैग्नेशियम, तो उन सभी का इसका इलेक्ट्रोल पाउडर क्या करेगा, पूरा पूरी कंप्लीटली क्षतिपूर्ति पूरा करेगा। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ORS का भी घोल आप पेशेंट को पिला सकते हैं डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। और हॉट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी देना है पीने के लिए, क्योंकि जो खंड वोमिटिंग के बाद में खंड उसका छिल जाता है तो वैसे में क्या होगा उसका बॉडी से जो गर्म पानी देने के बाद उसको रिपेयरिंग हो जाएगा। आगे इनडाइजेशन यानी कि अपच, इसको अपच बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टमक अपसेट भी कहते हैं। इसमें देखिए हम लोग यूनिजाइन, यूनिजाइन अपने आप में कैप्सूल होता है, टेबलेट है जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, एक मॉर्निंग, एक दोपहर में और एक इवनिंग, तीन टाइम में देना चाहिए। फिर डाइजिन है, डाइजिन एक तरह का टेबलेट ही है जिसको देने के बाद में क्या होगा पेशेंट का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम जो होगा दूर हो जाएगा। फिर आपका ये हाजमोला, हाजमोला भी जो मार्केट में अवेलेबल है, ये भी प्रयोग करके आप इंडाइजेशन का प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फिर आपका देखिए तीनों दवा जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दवाएं जितना भी है ये तीनों दवा, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे गैस को दूर करने के लिए। जैसे रेंटिडिन हो गया, ये एसी लोग के रूप में आता है, 150-300 mg में आता है अलग अलग। फिर आपका पेंटोप्राजोल, ये पेन 40 यानी 40 mg में रहेगा या 20 mg में रहेगा। फिर आपका डोमपेडोन, ये भी है, ये भी गैस को रिलीफ करने काम करता है। इसके अलावा हॉट वाटर, गर्म पानी पिलाएंगे क्या होगा पेशेंट को अपच की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। स्टोमक पेन, स्टोमक पेन में आपका आता है जैसे स्पास्मोप्रोक्सीबान, जो स्पास्मोल कंपनी के रहेगा, स्पास्मोप्रोक्सीबान स्पास्मोल कंपनी का। फिर एक डॉक्सिलामाइन, डॉक्सिलामाइन एक तरह का सिलेटिव ड्रग्स है जो कि पेशेंट को नींद लाने काम करता है। किसी को अगर मेंस्ट्रुअल के वजह से पेन अगर हो रही हो तो वैसे कंडीशन में मेफेनामिक एसिड, और इसी में जोड़ा हुआ रहेगा आपका डायसाइक्लोमाइन जो मार्केट में अलग अलग कंपनियों से अवेलेबल है, इसमें से एक कंपनी ये भी है, कंपोजिशन सेम ही रहेगा। फिर आपका बॉडी पेन है, बॉडी पेन में आप लोग एनाल्जेसिक बोल सकते हैं, जो वैसा दवा जो कि दर्द को दूर करता हो उसको बोलेंगे एनाल्जेसिक। जैसे कि हो गया डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, इटोरिकोक्सीन, मेटोक्सालोन। मेटोक्सालोन क्या है, ये तरह का मसल रिलैक्सेंट है, ये मसल को रिलैक्स करता है और पेन को दूर करता है। और पैरासिटामोल, इसमें दोनों क्वालिटी होता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है वैसी दवा जो बुखार को कम करे, और एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को दूर करे। और फिर एस्पिरिन जो दवाएं है ये आपका सेलिसैलेट का ये कंपोजिशन का बना होता है। आइबुप्रोफेन जो होता है ये भी एक तरह का पेन किलर, ये दर्द में दिया जाता है, जो एनसेड का है यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। पैरासिटामोल में इंफ्लामेशन को दूर करने की कैपेसिटी नहीं होता है, सिर्फ ये पेन को दूर करेगा, फीवर को दूर करेगा। आइबुप्रोफेन आपका ब्रूफेन कंपनी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वीकनेस, वीकनेस में हम लोग किस तरह का मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, जैसे देखिए इसमें मल्टी विटामिन, जैसे ए टू जेड गोल्ड, ए टू जेड एनएस, ये कंपनी के नाम से आता है ए टू जेड गोल्ड या ए टू जेड एनएस, है ना। फिर आपका बी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बी कॉम्प्लेक्स में आपका बेसिकली डिकोसून कंपनी से आता है, और इसमें जिंकोबिट भी आता है आपका। फिर एरिस्टोजाइन,
एमबीए तरह का ये दवाई है जो आपका इंक्रीज हंगर को इंक्रीज करने का काम करता है, यानी भूख को बढ़ाने का काम करता है। फिर साइपॉन एक तरह का सिरप है, ये भी आपका भूख को बढ़ाने का काम करता है। अब प्लस में भूख जब बढ़ेगा तो आपका बॉडी में खाना जब खाएंगे प्रोटीन विटामिन तो वीकनेस भी दूर हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आप ब्लड क्लॉटिंग, मान लिया कहीं से ब्लड निकल रहा हो तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड का प्रयोग करेंगे जो ट्रेनेक्सा कंपनी से आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है और ये टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं। इसके अलावा देखेंगे फिर हम लोग एडिनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन, एडिनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन ये भी तरह का कंपोजिशन है जो क्लॉट कंपनी से अवेलेबल है मार्केट में। आगे देखेंगे कफ रिलीफ के, मान लिया किसी को कफ हो गया है तो कफ को दूर करने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ब्रोमोहेक्सिडीन ये एक तरह का कंपोजिशन है जिसका प्रयोग करने के बाद में आपका लंग्स में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो बना हुआ है जो कफ जो जमा हो गया वो लूज पड़ेगा, ढीला हो जाएगा। जब कफ जब ढीला होगा तो आराम से बॉडी के बाहर वो निकल जाएगा। इसमें आपका बेनाड्रिल कंपनी से आता है, आपका सिरप आता है जो एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ को दूर करने का काम करता है। टोरेक्स भी है और डेक्सामेथारफन ये आपका गिलिंटक्स वगैरह कंपनी से आता है जिसमें आपका अवेलेबल रहेगा डेक्सामेथारफन। फिर आपका सेट्रीजीन ये आपका एंटीबायोटिक में आ जाएगा। फिर मोंटिलुकास्ट का प्रयोग करने के बाद में आपका बॉडी से कफ को आप दूर कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स, वैसी दवा जो एलर्जी को दूर करने का काम करता है उसको बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग, इसी को एंटी हिस्टामिनिक भी बोलते हैं। एलर्जी को दूर करने के लिए हम लोग क्लोरोफेनिरामाइन माइलेट कंपोजिशन है, इसमें एबी कंपनी से अवेलेबल होता है। फिर आपका फेप्सोफेनाडीन जो एलेगा कंपनी से अवेलेबल है फेप्सोफेनाडीन। फिर आपका आता है डेक्सामेथासोन जो डेक्सोना कंपनी से, ये भी मिला करके दोनों मिला करके एक में दीजिएगा, उससे क्या होगा आपका एलर्जी बॉडी से दूर हो जाएगा। फिर डाइफेनहाइड्रामाइन भी एक तरह का एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो एलर्जी में प्रयोग करता है। फिर आपका सेट्रीजीन का भी प्रयोग करके आप एलर्जी को दूर कर सकते हैं। फिर आपका लिवोसेट्रीजीन प्लस मोंटिलुकास्ट जो एमटीएनएल या एलिस्ट मॉन्ट या फिर आपका मोंटीना एल कंपनी से अवेलेबल है मार्केट में। तो इस तरह के दवा देने के बाद आपका बॉडी से एलर्जी का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स, यानी किसे को बोलते हैं लैक्सेटिव ड्रग्स, क्लियर शुरू करने के लिए बिसैकोडीन जो डुल्कोफ्लेक्स कंपनी से आपका मार्केट में अवेलेबल है, इसको क्या करेंगे रात में दवा खा लेंगे और गर्म पानी के साथ में खाएंगे। डुपालेक सिरप है, इसको भी आप दो बार तीन बार में यूज कर सकते हैं दो दो चम्मच करके। लूज भी एक सिरप है जिसका प्रयोग करने के बाद में आपका बॉडी से ये अस्टूल जो होगा वो लूज हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कास्टर ऑयल ये भी एक तरह का तेल है जिसको लगभग 5 ml पी जाने के बाद आपका बॉडी से अस्टूल जो होगा 5 घंटे 6 घंटे के अंतराल में बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और फाइबर्स डाइट का मतलब होता है वैसा डाइट जिसमें कि फाइबर की मात्रा अधिक हो, जैसे कि अमरूद पपीता चना भूंजा इन सब का प्रयोग करने के बाद में आपका बॉडी से अस्टूल का पास आसानी से होगा, कभी पेट में कब्जियत नहीं बनेगा। इसके अलावा पेट सफा का भी प्रयोग कर सकते हैं, पेट सफा तो हर रोज दफा यानी कि जब कभी लूज मोशन होता हो तो उसको रोकने के लिए हम लोग कौन कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, जैसे लोपेरामाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। जब कभी भी लूज मोशन किसी को हो रही हो फ्रीक्वेंट तो उस कंडीशन में आप लोपेरामाइड को देकर के दवा को दूर कर सकते हैं डायरिया को। क्रिनिडाजोल जो होता है ये भी एक तरह का दवा है, एंटीबायोटिक ये दवा कंपोजिशन है जिसको देने के बाद में आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन का डायरिया का प्रॉब्लम सब दूर हो सकता है। फिर है मेट्रोनिडाजोल, फिर आपका है ओफ्लोक्सासिन नोरफ्लोक्सासिन और लैक्टिक एसिड बैसिलस। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा आपका बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा घट जाएगी और उस इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे RL का प्रयोग करेंगे, या बीपी अगर डाउन है तो RL देना पड़ेगा, बीपी अगर मेंटेन है तो नॉर्मल स्टाइन का प्रयोग करते हैं। अगर पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, ग्लूकोज का लेवल अगर नॉर्मल है तो वहां पर हम लोग एनर्जी देने के लिए DNS का प्रयोग करते हैं, डेक्सट्रोज स्टाइन का। डेक्सट्रोज जो होता है आपका ग्लूकोज का ही एक टाइप होता है। हाँ नेक्स्ट आपका अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर ग्लूकोन डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ORS पोल्यूशन का भी प्रयोग कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। आप देखिए नेक्स्ट है हुंड, कभी भी किसी को घाव जब बनता है तो घाव को दूर करने के लिए, घाव को ड्रेसिंग करने के लिए आप
क्या करेंगे, क्लेबिजुलिक एसिड एक दवा होती है, उस दवा का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट एमोक्सिक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है, इसका भी प्रयोग करने के बाद में आपका जो घाव पर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया हील हो जाता है। फिर कोविडिन आयोडीन, ये बीटाडीन कंपोजिशन है, इसको देने के बाद में आपका बॉडी से बैक्टीरिया का जहां पर घाव पर है वो बैक्टीरिया वहां से हट जाएगा, बन जाएगा। और क्लोरहेक्सीडीन, क्लोरहेक्सीडीन भी एक तरह का जैसे कि आपका डिटॉल हो गया, सेवलर हो गया, उन सभी में क्लोरहेक्सीडीन की मात्रा पाई जाती है, उसको देने के बाद बैक्टीरिया वहां का किल हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट सोफ्रामाइसिन, मुफियोसिन, ये सब हाई क्वालिटी का एंटीबायोटिक है, इसको देने के बाद में बैक्टीरिया वहां से किल हो जाता है। तो आज हमने बताया है कि कॉमन जो ड्रग्स जो होते हैं इसका प्रयोग हम लोग किस तरह से करेंगे। तो आज हमने वीडियो को यहां तक बनाया है। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।